हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और लेटर जारी हुआ है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक का, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम। और यह जो लेटर है यह 1 to 5 के शिक्षक नियोजन से रिलेटेड है। विषय है नियोजन इकाइयों द्वारा वर्ग से 1 से 5 के अभ्यर्थियों की सूची जिले के NIC के वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में। प्रसंग है विभागीय पत्रांक 872 दिनांक 6/10/2020। महा से उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन पत्र का स्मरण करें जिसके माध्यम से निर्देश दिया गया था कि वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थियों की सूची एक्सेल सीट से संबंधित जिले के NIC के वेबसाइट पर नियोजन इकाइयों द्वारा अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक यदि किसी नियोजन इकाई द्वारा अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जाती है तो संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष एवं सचिव के विरुद्ध संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन मानते हुए पंचायती राज अधिनियम 2006, नगर पालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार को की जाएगी। प्राप्त सूचना अनुसार अभी भी वर्ग 1 से 5 के लिए अभ्यर्थियों की सूची एक्सेल सीट में कई जिलों में NIC के वेबसाइट पर नियोजन इकाई द्वारा अपलोड नहीं कराया गया है। नियोजन इकाई द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा किया जाता था, किंतु इस संबंध में भी आपके स्तर से सूचना अप्राप्त है, जो अत्यंत ही खेदजनक स्थिति है। अतः वर्ग 1 से 5 के लिए अभ्यर्थियों की सूची अपलोड करने एवं आपत्ति प्राप्त करने हेतु अंतिम रूप से दिनांक 30/10/2020 तक अवधि विस्तार करते हुए निर्देश है कि जिले के NIC के वेबसाइट पर वर्ग 1 से 5 के लिए अभ्यर्थियों की सूची एक्सेल सीट में नियोजन इकाई द्वारा अपलोड करने में लापरवाही बरतने वाले नियोजन इकाई के अध्यक्ष एवं सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार को करने के संबंध में आपके स्तर से कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 31/10/2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और ये भी लेटर आज की डेट में ही जारी हुआ है। आज की डेट में कई लेटर जारी हुआ है। 2 लेटर 6 to 8 के नियोजन से रिलेटेड है, एक जो फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड करने से रिलेटेड है, और एक फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए जो बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे बोला गया है रिजल्ट को डालने के लिए ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लग सके। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि जल्दी शिक्षक नियोजन पूरा हो जाएगा और आप लोगों का जो शिक्षक बनने का सपना है वो जल्द ही साकार होगा। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो जितने भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम न्यूज़ को देखने के लिए।